हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया। हमारे लास्ट लेक्चर में पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के अंतर्गत अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में हमने बाइनरी फ्यूजन को देखा और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में कॉन्जुगेशन और एंडोमिक्सिस की जो प्रोसेस है उसको डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम ओटोमिक्सिस, साइटोगैमी और हेमिमिक्सिस जो प्रोसीजर है इसको डिस्कस करेंगे। ओटोगैमी या हम कहें ओटोमिक्सिस स्वकयुग्मन या स्वमिश्रण संयुग्मन के समान ही एक प्रकार की केंद्रक पुनर्गठन की प्रक्रिया है। इसे डब्ल्यू एफ डिलर ने 1936 में पैरामीशियम ओरिलिया के अंदर देखा था। इसमें सिर्फ एक पैरामीशियम में दो माइक्रोन्यूक्लियस का समीकरण होता है, इसलिए इसे हम स्वकयुग्मन या स्वमिश्रण कहते हैं। इसमें जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, इस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि जो मैक्रोन्यूक्लियस है वह वृद्धि करता है और वृद्धि करके अनियमित संरचना बनाता है एवं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर यह बढ़ जाता है। जो बी डायग्राम है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो मैक्रोन्यूक्लियस है वह ब्रेक हो जाता है और डीएनए फ्रैगमेंट्स के अंदर टूट जाता है और ये डीएनए फ्रैगमेंट साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो दोनों माइक्रोन्यूक्लियस जो होते हैं इनके अंदर अर्धसूत्री मियोसिस डिवीजन हमें देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 अगुणित हैप्लोइड डॉटर न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं। जो दो माइक्रोन्यूक्लियस हैं सी डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, इनके अंदर मियोसिस की प्रोसीजर के थ्रू 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इन 8 जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं इनमें से जो 7 हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, हाशित हो जाते हैं और ओनली 1 जो न्यूक्लियस है वह शेष बचता है। शेष बचा जो एक केंद्रक है इसके अंदर अब हमें माइटोसिस देखने को मिलता है, सूत्री विभाजन में चला जाता है, जिससे दो गैमेट न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। इन दो केंद्रकों में से एक केंद्रक जो होता है वह नर युग्मक और दूसरा जो केंद्रक है वह मादा युग्मक कहलाता है। दोनों युग्मक केंद्रक कोशिका मुख ओरल ग्रू के पास जाते हैं और कोशिका द्रव्य में बने उभार में पहुँच करके समेकित हो जाते हैं। अब इन्हें हम जायगोट न्यूक्लियस या सिनकोरियन कहते हैं, सिनकेरियन। युग्मनज जो केंद्रक होता है, जो जायगोट न्यूक्लियस होता है, इसमें जी डायग्राम में आप जायगोट न्यूक्लियस को देख सकते हैं, इसमें डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 केंद्रक, 4 न्यूक्लियाई का यहाँ पे निर्माण होता है। इनमें से जो दो न्यूक्लियाई होते हैं ये मैक्रोन्यूक्लियस और जो दो न्यूक्लियाई हैं वे माइक्रोन्यूक्लियाई या लघु केंद्रक बनाते हैं। अब लघु केंद्रक एक बार फिर से विभाजित होते हैं और साथ ही साथ पैरामीशियम में भी विभाजन यहाँ हमको देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि दो पुत्री पैरामीशियम बनते हैं और जो ये दोनों पुत्री पैरामीशियम होते हैं इनमें अगर हम देखें तो एक मैक्रोन्यूक्लियस और दो माइक्रोन्यूक्लियस इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार जो ओटोगैमी जो प्रोसीजर है इसमें भी केंद्रीय पुनर्गठन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो जनन की प्रक्रिया है वह है कोशिका युग्मन या साइटोगैमी। कोशिका युग्मन को आर विशरमैन ने 1940 में पैरामीशियम कोडिटम के अंदर देखा और बताया कि केंद्र की विनिमय के बिना होने वाली एक लैंगिक प्रक्रिया है। इसमें दो पैरामीशियम जो होते हैं ये अपने जो ओरल सरफेस हैं उसके द्वारा स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं और इनके केंद्रकों में संयुग्मन के समान ही चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें केंद्रकों का आदान प्रदान नहीं होता। प्रत्येक जो पैरामीशियम होते हैं इसके दोनों युग्मक केंद्रक आपस में समेकित होकर के युग्मनज केंद्रक बनाते हैं और अब दोनों जो पैरामीशियम होते हैं वे अलग होकर के विभाजित होते हैं और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। यह प्रक्रिया लगभग 13 घंटे में पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसीजर है रिप्रोडक्शन का हेमिमिक्सिस। हेमिमिक्सिस
को हर्टमैन ने पैरामीशियम ओरेलिया के अंदर देखा था और डिलर ने इसका समर्थन किया था। यह मैक्रोन्यूक्लियस के पुनर्गठन की एक सरल घटना है। इसके अंदर जो माइक्रोन्यूक्लियस है इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलता। हेमिमिक्सिस में मैक्रोन्यूक्लियस कई टुकड़ों के अंदर विभक्त हो जाता है, फ्रैगमेंट्स के अंदर, और कुछ टुकड़े कोशिका द्रव्य में शोषित हो जाते हैं। शेष बचा हुआ जो मैक्रोन्यूक्लियस है वह पुनः क्षमता प्राप्त करके कार्य प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार हेमिमिक्सिस शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं वे एज इट इज़ हैं, और जो मैक्रोन्यूक्लियस है इसमें फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है, और जो मैक्रोन्यूक्लियस है वह वापस से अपनी क्षमता को प्राप्त करता है और फिर से अपना जो फंक्शन है वह स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार पैरामीशियम के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। पैरामीशियम के इन वीडियो लेक्चर्स में हमने पैरामीशियम के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने शेप एंड साइज़ के बारे में बात की, जो ओरल ग्रूव है इनके बारे में, जो पेलिकल जो स्ट्रक्चर बाहर की साइड पाई जाती हैं जो आवृत रखती है पैरामीशियम को, उसके बारे में पढ़ा। सीलिया पक्षमाप जो सीलिएट्स सभी सीलिएट्स के अंदर पाए जाते हैं और पैरामीशियम के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, इनके बारे में देखा। पैरामीशियम में जो साइटोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, इसके बारे में स्टडी किया है हमने। साथ ही साथ हमने इन क्लासेस के अंदर जो इंफ्रासीलियरी सिस्टम है इसको डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने जो पेलिकल सिस्टम है, न्यूक्लियस के बारे में देखा, जो कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस है, ट्राइकोसिस्ट है, और जो फूड वैक्यूल्स ओरल एपरेटस इसको देखा। जो पैरामीशियम के अंदर चलन की क्रियाविधि है, लोकोमोशन की क्रियाविधि, इनकी सीलिया की सहायता से इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, इन सभी को हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ जो फीडिंग मैकेनिज्म है पैरामीशियम के अंदर, जो न्यूट्रिशन है इसके अंतर्गत हमने फीडिंग मैकेनिज्म, डाइजेशन और इजेशन का जो प्रोसीजर है इसे स्टडी किया। नेक्स्ट हमने पैरामीशियम के अंदर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन को स्टडी किया, और पैरामीशियम का जो डिफरेंट स्टिम्यूलस हैं इनके अगेंस्ट में क्या बिहेवियर रहता है, क्या रेस्पॉन्स रहता है, टेम्परेचर, लाइट, टच, केमिकल्स, वाटर करंट, इलेक्ट्रिक करंट और ग्रेविटी के लिए, इस सब को स्टडी किया। और सबसे एंडिंग में हमने पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन के अंतर्गत अलैंगिक जनन की क्रिया के अंतर्गत बाइनरी फ्यूजन और लैंगिक जनन के अंतर्गत हमने कॉन्जुगेशन, एंडोमिक्सिस, ऑटोगैमी, साइटोगैमी और हेमिमिक्सिस को डिस्कस किया। थैंक यू।